राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का में मॉर्निंग की गोल्डन एस में एक बार फिर तक स्वागत करूँ। तो मैं तारा खतर बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा खुशखबरी लेके आ गया हूँ। सी ई टी मेन्स का जो पोर्टल है वो तारा कल खुलन की है पॉसिबिलिटी है। डॉक्यूमेंट देख लियो कौन कौन से तैयार रखने हैं। हर करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर पेपर होंगे, पेपर की तैयारी का मैं जुट जाओ देख लियो पूरी की पूरी खबर क्या है। सारा का सारा मटेरियल देख लियो। अरे ये जो बार हंडन फिरन के चक्कर नहीं ना बंद कर दो, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे लियो, पुस्तकें लो नहीं ऐसा सिस्टम पैट जाएगा समझ में नहीं आवा कड़क के कुछ सर्रे सारे लागे हैं दीवारा बजा जाएगी। देखो फटाफट से क्या कुछ है बात आई है। देखो भाई खबर के कुछ आई है। मई में करनाल कुरुक्षेत्र में ग्रुप सी की परीक्षा की तैयारी में, मई के अंदर आपका पेपर होना है ग्रुप सी सी ई टी मेन्स का। तो करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर है आप लोगों का ग्रुप सी का पेपर होना है, ठीक है। पोर्टल आपका बन के तैयार हो गया है, 15 दिनों के लिए इसी सप्ताह खुलने की है संभावना, यानी कि अभी जो सप्ताह आएगा कल से है, कल से पोर्टल खुलने की पॉसिबिलिटी। कल की पूरी गारंटी नहीं है लेकिन चांस है कि कल ही पोर्टल खुलेगा। अब देखो आगे क्या खबर आई है। ग्रुप सी के 31,998 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। युवाओं को पदों के लिए कैटेगरी वाइज आवेदन करने के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। आयोग इसी सप्ताह पोर्टल चलाने की योजना है करने लग रहा है। यदि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है तो इसे 15 दिन के लिए इसे खोला जाएगा, जिस पर 3.5 लाख युवा अपनी पसंद की पोस्ट या कैटेगरी भर सकेंगे। इसके बाद 3 दिनों के लिए युवाओं को त्रुटि ठीक करने के लिए समय दिया जाएगा, 3 दिन के लिए कोरेक्शन का टाइम दिया जाएगा। हालांकि HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के सर इन पदों के लिए मई में शुरू होने वाली लिखित परीक्षा की करनाल या कुरुक्षेत्र में तैयारी की जाने लग रही है, यानी कि जो क्योंकि बालक तो थोड़े हैं, एक एक पोस्ट का खतर मान लो 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे पेपर देंगे, तो सिर्फ दो ही जगह सेंटर बनेंगे करनाल और कुरुक्षेत्र, तीसरी जगह सेंटर नहीं बनेगा। चाहे पूरा हरियाणा से कोई किते का हो करनाल और कुरुक्षेत्र में सेंटर बनेगा, जो करनाल और कुरुक्षेत्र के उनका होम डिस्ट्रिक्ट फंसेगा, ठीक है। इसके लिए सेंटरों की सूची तैयार की जाने लग रही है। हालांकि आयोग ने पहले इन दोनों जिलों में NTA के सहयोग से CET का भी आयोजन करवाया था। HSSC आयोग ने फिलहाल लिखित परीक्षा के शेड्यूल में किसी तरीका बदलाव नहीं किया, भी लिखित परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है, जो शेड्यूल था पहले उसी के हिसाब से पेपर होंगे, ठीक है। यह शेड्यूल पहले की तरह जारी रहेगा क्योंकि आयोग अब परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है, प्रश्न पत्र आदि तैयार करवाने लग रहे हैं ताकि समय पर लिखित परीक्षा का है आयोजन है किया जाए। यह भी संभावना HPSC की ओर से ली जाने वाली HCS की परीक्षा के चलते HSSC की कुछ परीक्षाओं की तारीख के अंदर है बदलाव हो सकता है, 1-2 परीक्षा के अंदर, वो भी 1 हफ्ता का 50 रक्षिक है, बाकी तैयारी का मत जुट जाओ, ठीक है। साल के अंत तक सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी और 15 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी HSSC की। तो कहने की बात यह है अब तैयारी के अंदर जुट जाओ, गजब का चांस है। अगर अब तैयारी करनी छोड़ दी तो पतन निश्चित है, साक्षात परमात्मा भी अगर उतरा हुआ ना भाई इसका रुक जा पतन तो भी नहीं रुकेगा भाई, बहुत बूंदा पतन होगा। रोगे कर्मा ना खम गुट्ठे दे देगी, पढ़ लेंदे तो कि मैं बात बनी जानती आएगी बात समझ में। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लेना, फोटो फाटू और ये जो भी हैं भाई तारे, कुछ करना है को नहीं उसका, फोटो फाटू का कुछ काम में को नहीं, सिर्फ पोस्ट चूज करनी है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन भरनी है उसका, मान लो किसी ग्रेजुएशन ही हुई हो भाई पिछले साल अगस्त सितंबर में, ठीक है, तो अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सके हैं। आगे बस समझो इस डाल का सिस्टम है सारे। राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेजो फटाफट तैयारी का जुट जाओ।